और सबसे पहले दीपक रंजन जी, सवाल आपसे यही कि ये जो जातिगत जनगणना का विषय है, विपक्ष और उसके सहयोगी दलों का मत स्पष्ट है, आप लोग चाहते हैं, लेकिन आज आरएसएस ने जो वक्तव्य दिया है, इनकार नहीं किया है, आरएसएस ने स्पष्ट किया है कि यदि जरूरी है तो हो जाए जातिगत जनगणना, लेकिन यह राजनीतिक हथियार ना बने किसी का। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी ने कभी जातिगत जनगणना पे राजनीति नहीं की। इस पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। 1960 में हम लोग आदरणीय लोहिया जी के हम लोग अनुयायी हैं। 1960 में लोहिया जी ने कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गाड़, पिछड़े पावे 100 में 60। तो हम तो लगातार सड़क से लेकर के सदन तक जातिगत जनगणना की मांग हम करते रहे। अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये इनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए अपनी सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी के ये इनकी आरएसएस की एक विंग है भारतीय जनता पार्टी, इनको सरकार को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि ये कोई दिन निर्धारित करें, कोई तिथि निर्धारित करें जातिगत जनगणना कराने की। क्योंकि देखिए, मोहन भागवत जी कहते कुछ और हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। और आज जो जेपी नड्डा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस टाइम भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, आशा जी, जिस टाइम उन्होंने कहा था कि अब आरएसएस की हमको आवश्यकता नहीं है। आरएसएस की जब आवश्यकता थी तो थी, अब आरएसएस की हमको आवश्यकता नहीं है। तो जब उनको आवश्यकता नहीं है, उनको आरएसएस पर विश्वास नहीं है, तो हम कैसे विश्वास कर लें? देश उनके देश की जनता क्यों उन पर विश्वास करे? देखिए, आर्थिक जन ये जाति जातिगत जनगणना जो है, सोशल जस्टिस और न्याय दिलाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये सरकार के लिए। और जातिगत जनगणना से कौन कितनी जाति का है, कौन किस जात का है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, इस आधार पे अगर वो कोई एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉलिसी बनाना चाहते हैं, सोशल पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, अफर्मेटिव पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, तो उनको एक आधार आधार मिलेगा। और मैं मिलाकर जातिगत जनगणना या ये जो जात पात की बात है, वो सियासत के लिए है क्या सिर्फ, या देश को वाकई इसकी जरूरत है? जैनेन्द्र, देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी डरी हुई है, जनता की आवाज से, जैनेन्द्र, गठबंधन की आवाज, ये डरी हुई है, डर का कारण खुद पर है आप लोग जातिगत जनगणना के मुद्दे पर। विपक्ष को ऐसा लग रहा है और इसीलिए अब आपको भी इसकी बात करनी पड़ रही है, और आरएसएस ने भी इसी की तरफ इशारा किया कि यदि जरूरी है तो हो जाए देश के लिए। नहीं, कोई भी हमारी जो गठबंधन है उसमें बैकफुट पर नहीं है। हमारी पार्टी का जब गठन हुआ 2002 में, तो सबसे जो शुरुआती मांग थी हमारी, उनमें से जातिगत जनगणना भी एक मांग थी। लेकिन मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं जो हमारे भाई अभी बोल रहे थे कि 1960 से हम नारा लगा रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भैया, 1960 से आपका सहयोगी दल सत्ता में, काका कालेलकर की रिपोर्ट को उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसके बाद जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको बस्ते में डाल दिया। आपने 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, आपको तब जातिगत सर्वे याद नहीं आया कि जातिगत जनगणना ना सही, जातिगत सर्वे ही करवा लिया जाए उत्तर प्रदेश का। और मैं एक और चीज बताता हूँ कि 1993 में इंदिरा साहनी का जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जातिगत सर्वे होने चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाया जा सके और उसके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जा सके। और हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 340 में भी सेम यही बात लिखी हुई है कि जातिगत सर्वे होने चाहिए। आपने विपक्ष की भी राजनीति की है और अब आप सत्ता पक्ष के भी साथ हैं, तो क्या जातिगत जनगणना पर विपक्ष सरकार को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब रहा है? आपको भी उसी पिच पर आकर अब बात करनी पड़ रही है? नहीं नहीं, मैंने बताया कि हमारी तो शुरू से मांग ही थी, और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बार बार कहा कि अगर कोई जातिगत जनगणना करवाएगा इस देश के अंदर तो माननीय मोदी जी ही करवाएंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ये संभव हो पाएगा। नहीं तो आपको 2011 का जो सर्वे हुआ था, जो जनगणना हुई थी, वो आपको याद होगी, आज तक रिपोर्ट पता नहीं कहाँ चली गई है। सचिन रावत जी से पूछ लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सचिन रावत जी, आप लोग भी जातिगत जनगणना के प्रबल पक्षकार हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी भी इसको कह रही है, लेकिन देखिए आरोप उसी पार्टी की तरफ से अब आ रहा है जो पिछड़ों की राजनीति करती है, जिसका आधार ही वही है। उनका कहना है 2011 का आंकड़ा छिपा लिया गया, उसको क्यों नहीं पब्लिक किया गया? देखिए आस्था जी, सबसे प्रमुख है कि जाति जनगणना इस देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देश में 85% लोग हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, शोषित वंचित समाज के लोग। क्यों नहीं आया सामने? जब जाति जनगणना हो जाएगी पिछला डेटा क्यों नहीं आया सामने? नहीं, मैं पूरी बात आ जाएगी ना, उसमें क्लियर हो जाएगा।
देखिए क्या है कि जाति जनगणना की बात जब कांग्रेस पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जिनके जितने भी इनके सहयोगी दल, सबके पेट में दर्द जरूर होता है। आज राजभर जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना मोदी जी कराएंगे। अरे भैया, 10 साल से ज्यादा इनकी सरकार हो गई, अब तो 11वां साल चल रहा है। अगर जाति जनगणना नहीं करा पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। क्यों आप मंत्री के लालच, मंत्री पद के लालच में आप उनके साथ में हैं? आप आइए हमारे साथ जाति जनगणना की लड़ाई लड़िए। अगर राहुल गांधी जी वही बात कह रहे हैं कि देश में जाति जनगणना करा के रहेंगे हम लोग, मोदी जी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, तो करवाइए जनगणना, बस राजनीतिक हथियार ना बन जाए किसी का। अब तो आरएसएस ने भी कह दिया कि जाति जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी। जिस तरह से चुनाव में समझा चुके हैं, अब मुझे बताइए, सवाल नंबर एक 2011 का आंकड़ा था वो सामने नहीं आया, और सवाल नंबर दो तो आरएसएस ने भी कह दिया, क्या क्या ये मुद्दा रह गया? मैं उस पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। नहीं, मुद्दे की बात है, अभी तो हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रमुख मुद्दा है कि हम लोग जाति जनगणना करा के रहेंगे और मोदी जी को झुकना पड़ेगा। और हम लोगों का ये सपना है कि जाति जनगणना से ये पता चल जाएगा जो 85% हमारे देश के दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं उनको न्याय मिलेगा, उनको भागीदारी मिलेगी, जो इस लड़ाई में हमारा सहयोग करेगा हम भी उसका साथ देंगे। जवाब बोलिए। बस मैं एक चीज अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से जानना चाहता हूँ, आपके समय में ही कर्नाटक के अंदर जातिगत जन सर्वे हुआ था, उसके आंकड़े आपने उस समय रिलीज नहीं किए थे, आज तो आपकी दोबारा से सरकार है, अब जाके रिलीज कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश में करवा दीजिए जातिगत सर्वे, नहीं आप हिमाचल प्रदेश में जातिगत सर्वे करवा दीजिए, हिमाचल प्रदेश को आपने टंटन गोपाल कह दिया, आज तो पहली तारीख को जवाब पूरा होने दीजिए। बोले बोले जानेंद्र जी, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने जो जातिगत सर्वे पहले करवाए थे हिमाचल, वो कर्नाटक में और राजस्थान में, उसके आंकड़े क्यों नहीं आपने जारी किए? क्या वो आपने केवल अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए किए? क्योंकि वहां पर बोकालिंगा और लिंगायत समुदाय की आबादी जातिगत सर्वे के हिसाब से कम आ गई थी, इस वजह से आपने वो आंकड़े जारी नहीं किए। बाकी ओबीसी जातियों की संख्या ज्यादा आई, मतलब घूम फिर के वही बात कि राजनीतिक हथियार ना बन जाए। डेटा आ भी गया सामने, और उसके बाद जो है जोड़ घटाव, लुका छुपी, और उसके बाद फिर उसके नतीजों को गोलमोल कर दिया गया सिर्फ राजनीतिक फायदे के।